फ्रेंड गुड मॉर्निंग ट्रिपन साबूतारा। गाइस अभी हम लोग साबूतारा के लिए निकल चुके हैं और यहाँ गाड़ी गैस थोड़ा कम हो गया था तो दलाने के लिए रुके हुए थे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चलते हैं गिरा धोध, उसके बाद चलेंगे साबूतारा। तो गाइस नाश्ता वगैरह ले लिया गया है, चलिए फिर चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस हम लोग गिरा धोध पहुंच चुके हैं और ये है टिनिया जो हमारे बैच में सबसे ज्यादा बोलता है। ये देखो यार, अजय और मीत दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जैसे चिपके हुए हैं। शूटिंग गाइस बारिश काफी ज्यादा है, बिना छतरी के बाहर निकलना मुश्किल है और वीडियो शूट करना भी, मोबाइल बाहर निकालना महंगा पड़ जाता है, इसलिए मैं छुपा के ही रखा था। जल्दी आओ नहीं तो नाश्ता पट जा है। जल्दी करो नाश्ता पट जा है। सब लोग घूमने आए हैं पर बारिश की वजह से सबको डर लग रहा है, बिना छतरी कोई एक कदम भी आगे बढ़ना नहीं चाहता है। छतरी हम लोगों के पास 5 है और आदमी 14, इसलिए हर एक छतरी के पास 2 लोग चपके हुए हैं। सेट को अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए एक नई रंग बिरंगी छतरी ले ली। तो चलिए आगे चलते हैं, भूख की वजह से पेट में चूहे कूद रहे हैं इसलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो गाइस ये है गौरान और ऐसा लग रहा है बेचारा 4 दिन से भूखा है, गपा गप फूसे ही जा रहा है। एक बार जहाँ खाने बैठ जाता है ना, मुँह नहीं बंद करता है, तनिको लगे रहता है पचर पचर। अरे यार खम्मन और पकौड़े की बात छोड़ो, पूरा का पूरा मिर्ची भी घटक गया। तो चलिए फ्रेंड आप लोगों को कुछ दिखा देते हैं, नहीं तो कहेंगे खाली बोलता है। पीछे का व्यू बहुत ही गजब और बहुत ही सुंदर है, जो आपको देखने में बहुत ही मजा आएगा। मस्त हरियाली है यार भाई, ये देखो कितना खतरनाक पानी गिर रहा है ऊपर से नीचे, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये सीन यार गिरा धोध का है, जो पहले मैं आया था आप लोगों को थोड़ा कट करके सीन दिखा दूंगा। जब आया था लगभग नवंबर या दिसंबर में, तो उस समय पानी नहीं था। ये देखो यार बरसात में घूमने का मजा ही बहुत अलग है यार। सर देखो दोस्त लोग फोटो खींच रहे हैं वहाँ से, अभी वहाँ से हम भी चलते हैं। ओ गाइस ये देखो गिरा धोध का सीन, और यार यार दोस्त लोग फोटो खिंचा रहे हैं और ये पीछे का सीन मुझे इतना गजब दिख रहा है। देख रहे हो गाइस कितना खतरनाक पानी गिर रहा है, मजा आ गया यार ऐसा झील देखकर। और ये रस्सी लगाया गया है ना, इसके आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं, ये अलर्ट है, खतरे की निशानी। गिरा धोध हम लोग घूम लिए हैं और इधर से निकल रहे हैं साबूतारा के लिए, और सीन बहुत अच्छा था इधर का, घूमने में बहुत मजा है। और लोग देखिए उधर जा रहे हैं और हम भी इधर से जा रहे हैं। ये सीन यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम हरियाली भरी हुई, और इतने ऊपर से हम लोग चढ़ गए हैं इधर से, ये देखो इधर से चढ़ रहे हैं। चल चल रहे हम लोग, हाँ पकड़ के रखा हूँ, कैसे सड़क जाएगा। गाइस ये है साबूतारा, देख रहे हैं चारों तरफ कितना कोहरा है, गर्मी के महीने में भी ठंडी का फीलिंग हो रहा है। कश्मीर भी फेल है यहाँ पर, करेजवा हिला देता है, मतलब बहुत ठंडी लगता है। जिंदगी में थोड़ा सुकून चाहिए ना, तो एक बार साबूतारा घूम लीजिएगा, मजा आ जाएगा कसम से। गाइस ये है सुसाइड पॉइंट,
और ये सनसेट पॉइंट जो सुबह की रोशनी सबसे पहले यहीं पर पड़ती है। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी यहाँ पर काफी टाइम बिताए थे। अगर आपको घूमने जाना है तो लोकेशन डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और एंजॉय करिए। बाय बाय।